सांसद ने नगर में 30 करोड़ लागत से बनी 4 लेन सड़क की जनता को किया समर्पण। मणिपुर की घटना दुखद, सरकार कर रही कार्रवाई, मेनका। केंद्रीय मंत्री सुल्तानपुर के सांसद मेनका संजय गांधी ने मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र घुमाने की हुई घटना को बेहद दुखद और शर्मसार बताया। उन्होंने कहा सरकार ऐसा काम कर रही है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सांसद ने कहा ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण पाना है, हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे। सांसद ने दौरे के दूसरे दिन विधायक विनोद सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल, पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता के साथ 30 करोड़ 54 लाख से निर्मित नगर के मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण व सौंदर्यकरण योजना के सलापट का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा मैं विधायक विनोद सिंह, MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह वेंडिंग जोन में छत लगाने के लिए धनराशि खर्च कर इसे तैयार करेंगे। जिन पटरी दुकानदार व ठेले वालों को वेंडिंग जोन में दुकान लगाने की इच्छा हो वह नगर पालिका में जाकर संपर्क कर आवेदन दे सकते हैं। शहर को और सुंदर, हरा भरा और खुशनुमा बनाना हमारी प्राथमिकता है। शहर में 27 हरे भरे पार्क विकसित होंगे। नगर में डिवाइडर के अलावा 1000 पेड़ और लगाए जाएंगे। लोकल एनवायरनमेंट तैयार कर हम इस पर काफी हद तक रोकथाम कर सकते हैं। पूरी दुनिया में गर्मी रहे लेकिन सुल्तानपुर में मौसम ठंडा रहेगा। इस अवसर पर सांसद मेनका गांधी ने आह्वान किया कि जलवायु नियंत्रित करने के लिए हर व्यक्ति को पौधारोपण करना होगा, तभी बीमार धरती स्वस्थ होगी। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18। जी और चेयरमैन साहब के बिना होता नहीं, मैं दोनों को धन्यवाद देती हूँ और XCM PWD को देने जाती हूँ कि ये अंत में हो गया था। बहुत मुश्किल से हुआ, बहुत मुश्किल से इस, और 4 साल लगे लेकिन अब हुआ है। इसमें शहर को फ़ायदा ये है कि एक तो सुंदरता आई है, डिवाइडर्स लगे हैं, पेड़ लहराते हुए दिख रहे हैं, उसके ऊपर से जैम्स बहुत कम हुए हैं। हाँ ये अलग बात है कि अगर कोई मुहर्रम के लिए निकाले या कोई दिवाली के लिए निकाले या कुछ और तो फिर कुछ हो जाता है, लेकिन नहीं तो जाम बंद हो गए हैं। अब कोशिश यही होगी कि पूरे शहर को हम सुंदर बना दें। मैं आपसे ये बोलूं कि आप बीमार हैं और उपाय केवल एक दवाई है, तो जो नहीं लेता है दवाई वो तो मूर्ख होगा ही। इस वक्त धरती बीमार है, इतनी इतनी गर्म हो गई है कि वो बेमौसम चल रही है। हम लोगों की गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश बेमौसम पड़ रही है, इसमें बहुत बहुत नुकसान होगा खेतों में किसानों को। और जब किसान को नुकसान होता है तो फिर हम सब लोगों को नुकसान होता है क्योंकि खाना मिलता नहीं है। तो इससे अच्छा कि आपकी एक ही एक दवाई है, वो है पेड़ लगाना। अगर सब लोग यहाँ जो सुन रहे हैं एकदम जा कर के एक पेड़ लगा दे, दो पेड़ लगा दे। पिछले 4 साल में 12 करोड़ पेड़ कटे हैं, वो 12 करोड़ पेड़ अगर हम लगवा दें तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर हम कहें हम पूरे देश का पूरा नहीं कर सकते, फिर भी अंग्रेज़ी में बोलते हैं एक लोकल एनवायरनमेंट। अगर जैसे मेरा घर है दिल्ली में,